हेलो दोस्तों, हेलेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल में आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं और मेरा बेटी सुष्मिता, हम दोनों साथ में, मैं उड़ीसा से यहाँ आई हूँ बेटी से मिलने, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से और दूर 40 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर दूर में रहती है, और ये गांव का नाम है पामारू। तो आज बेटी सुष्मिता और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और साथ में मछलीपट्टनम घूमने के लिए हाँ, तो बेटी और हम दोनों मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे। बेटी का पास फाइनली मैं ठीक ठाक सेफली आई और फिर से रिटर्न जाऊंगी बेटी को छोड़ के, फिर मिलने आऊंगी कभी मौका मिलेगा तो। चलिए, मैं आज जहाँ भी जाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ तो दोस्तों, अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं, ये देखिए। चलिए चलिए, मिलते हैं मछलीपट्टनम। यह पामारू का सेंटर है, पामारू सेंटर। पामारू गांव का नजारा है। अभी बेटी सुष्मिता बैठेगी और मैं गाड़ी चलाऊंगी। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग जाएंगे हम लोग, 40 किलोमीटर से भी दूर। अच्छा लगेगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। चलिए लोग फाइनली पहुंच गए बीच। हाँ तो हम लोग पहुंच गए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग करने के बाद में हम लोग पहुंचे हैं मछलीपट्टनम, है ना। बहुत लोग आए हुए हैं, यहाँ संक्रांति का फेस्टिवल है तो सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। मम्मी तो इतना स्पीड से गाड़ी चला रही थी, नया जगह है फिर भी। हाँ मुझे नया जगह बहुत अच्छा लगता है, नया जगह देखने का बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। और मैं इतना स्पीड में आई, बेटी बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे 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 करने से इतना लॉन्ग जर्नी, कब में पहुंचेंगे फिर कब में रिटर्न जाना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा चला के। हाँ हाँ, इसीलिए स्पीड चला रही थी मम्मी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये विजयवाड़ा मछलीपट्टनम कहीं भी गई मैं, पूरा प्लेन एरिया है, मतलब दूर दूर
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो दूर दूर भी नहीं है, लेकिन रास्ता मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा और बेटी सुष्मिता का गाड़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगा चलाने के लिए, तो इतना स्मूथ लगा, जूम जूम करके चला के चली आई। बेटी को तो लग रहा था कि मम्मी पहले बार आई है तो कैसे चलाएगी, बट चलाने में मजा आया मुझे। दूर दूर पूरा प्लेन है, देखो पूरा प्लेन है इधर। बेटी सुष्मिता से जब मैं मिलने आई हूँ तो बहुत ज़्यादा वो खुश है, देखिए मैं भी बहुत खुश हूँ। बेटी सुष्मिता जब आई मुझे रिसीव करने, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उसका खुश देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हुआ। सुष्मिता मामी से टाइम स्पेंड करके कैसा लग रहा है? इसे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मम्मी आई मिलने के लिए, अच्छा अच्छा खाना बनाई, घूमने गए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आते रहूँगी मैं मिलने के लिए। हटाओ, चेहरा दिख नहीं रहा है। अभी हम लोग बैठ के कुछ खाना चाहते हैं, तो ये मूंगफली मिला। ऑटो लेने बोली आ फोटो తీసుకుంటున్నాను ना अच्छा से दी हम लोगों को, अब बहुत अच्छा है मूंगफली, देखिए बड़ा बड़ा साइज है, देखिए बिग साइज है। मैं खा के भी देखा ऐसे उठा के क्या करूँ, मानता है
भी यहाँ मैंगो फ्लेवर। उधर मैं पुलिस बुला रहा हूँ, उधर मैं चिल्ला रहा हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ अच्छा टाइम बिताए, यहाँ पे शाम का टाइम है, अभी सन भी ढलने वाला है। कैसा लगा ये बीच? हमारा वाइजाग से तो थोड़ा कम है, फिर भी हमारा वाइजाग वाइजाग ही है। हाँ अभी हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल रहे हैं और यहाँ है तो सबको ही टाइम स्पेंड करने आए हैं, पूरा घर परिवार बच्चों के साथ में। ऐसे ही मौका होता है जो बाहर में टाइम स्पेंड करने का मिलता है। लेकिन हाँ, मुझे कुछ कमी महसूस हो रही है लकड़ा जी का और बेटा सैमुअल पॉल का, वो दोनों नहीं है इसलिए थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। ऐसे भी बेटी के साथ में तो हम दोनों आते ही रहते हैं और बाहर जाते ही रहते हैं, तो पूरा फैमिली बोलने से तो बहुत बाई चांस कभी कभी हो पाता है। बस अभी दिसंबर में आए थे बच्चे लोग तो अच्छा ही लगा, और ये कितना अच्छा से सब कुछ। मैं पानी में तो नहीं भीगूंगी क्योंकि यहाँ फ्रेश पानी भी नहीं है पैर हाथ धोने के लिए। सिस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए बच्चों को साथ में लेके, अच्छा लग रहा है। मछलीपट्टनम दूर दूर एकदम पहाड़ का नज़ारा नहीं आ रहा है, बहुत दूर दूर एकदम खाली है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइविंग, एकदम सीधा रोड, अच्छा लगा। तो चलो दरवाजा खोलो, अंधेरा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।